नमस्कार मित्रों, ओएलआई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओएलआई ने आपकी एनटीएसी में मदद करने के लिए पहल की है, तो आज हमारा वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी के भाग दो पर केंद्रित होगा, जिसमें हम अक्षर की श्रेणी पर बने हुए सवाल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरुआत अब हम एक हल्के प्रश्न के साथ करेंगे। ये प्रश्न में दी गई श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। Z, X, V, T, R, इसके आगे दो क्या होंगे? तो पहले हम अपने विकल्प देख लें। हमारे विकल्प ये हैं, तो इनमें से कोई एक उत्तर होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ABCD है वो पीछे से लिखी गई है, परंतु इसमें कुछ अक्षर जो हैं वह नहीं है। जैसे Z है लेकिन Y नहीं है, और फिर X है, फिर W नहीं है, फिर V है, फिर U नहीं है, फिर T है। तो आइए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यह देखिए, Y को छोड़ के X को लिखा गया है, फिर W को छोड़ के U को लिखा गया है। तो वैसे ही R के बाद हमें Q को छोड़ के P को लिखना है और O को छोड़ के N को लिखना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा सही उत्तर जो है वह P और N होगा। आइए दोस्तों, एक और आसान से प्रश्न के साथ अपना मनोबल बढ़ाते हैं। प्रश्न में दी गई श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। हमारे विकल्प ये हैं, तो पहले प्रश्न को देखते हैं। डी यदि 4 है, एफ 6 है, तो आगे श्रृंखला के जो और दो भाग हैं वह क्या होंगे? यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला को गौर से देखें तो आपको हल्का हल्का अंदाजा लग गया होगा कि डी जो है वह चौथे स्थान पर आता है, एफ छठे स्थान पर आता है। उसी प्रकार से जो अल्फाबेट्स हैं यानी ABCD जो है उसमें डी को लिखा गया है तो ई को छोड़ा गया है, तो यानी एक एक स्किप करके लिखा गया है। तो दोस्तों, यदि हम ए का मान 1, बी का 2, सी का 3 इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारा एल का मान 12, एम का मान 13, एन का मान 14 ज्ञात होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही आसान है। आप एक तरफ ABCD लिख लीजिए, उसके बगल में 1, 2, 3 लिख लीजिए। यह प्रश्न 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा सही उत्तर सी यानी L12 और N14 है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। AZ, GT, MN, रिक्त स्थान और YB। विकल्प हमारे कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, A और Z, G और T आपस में कुछ ऐसा हम संबंध स्थापित करने का नहीं सोच सकते हैं। तो हम आपस में ना देखकर एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। ए, जी और एम को यदि देखें, तो यदि हम ए को 1 मान के उसमें 6 जोड़ें, तो जो सातवां ABCD का अल्फाबेट होता है वो जी होता है। उसी प्रकार से जी में यदि हम 6 जोड़ें तो एम है, एम में 6 जोड़ें तो एस, और एस में 6 जोड़ें तो वाई। उसी प्रकार से Z जो है वो ABCD का आखिरी अल्फाबेट है, यानी 26वां। 26वां में से जो 6 घटाएंगे तो जो 20वां अल्फाबेट होगा वह T होगा। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि आपका सही उत्तर SH है। और ये उत्तर सही है या नहीं यह आप चेक कर सकते हैं। S में यदि आप 6 जोड़ रहे हैं तो Y आ रहा है, और उसी प्रकार से H में यदि आप 6 घटा रहे हैं तो B आ रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि आपका उत्तर है वह सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है। BAZ, CDY, FEX, GHW। दोस्तों, यह तो थोड़ा आसान लग रहा है। विकल्प देख लें, यह हमारे विकल्प हैं। तो दोस्तों, यदि आप प्रश्न की ओर देखें तो BA AB को उल्टा लिखा गया है, फिर CD को वैसे ही लिखा गया है,
लेकिन फिर जो ई एफ आता है उसको उल्टा करके लिखा गया है और फिर जी एच को सीधा लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो सीरीज है ये ऑल्टरनेट चल रही है, यानी एक को छोड़ के यदि हम तीसरे को देखें तो वह सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। और जो तीसरा इसमें अल्फाबेट है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये सीधे पीछे की ओर एबीसीडी लिख दिए गए हैं। तो यदि हम समाधान देखें तो बी ए, उसके बाद सी डी वैसे ही, उसके बाद एफ ई, उसके बाद जी एच, तो जो अगला होगा वह उल्टा करके लिखा जाएगा, यानी आई जे को जे आई लिखेंगे और जेड वाई एक्स डब्ल्यू के पहले वी आता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर बी यानी जे आई बी होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो आपका सही उत्तर है वह बी यानी जे आई वी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमें नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत अक्षरों का समूह बताना है। ए बी डी जी डी ई जी जे के एल एन क्यू और एम एन पी टी। हमारे विकल्प इन्हीं चारों में से कोई एक होंगे। दोस्तों प्रश्न को देखते हैं तो पहला क्रम जो है ए बी डी जी, ए के बाद बी आता है लेकिन बी के बाद सी को छोड़ के डी लिखा गया है। उसी प्रकार डी के बाद ई और एफ को छोड़ के जी लिखा गया है। उसी प्रकार यदि हम अगले क्रम डी ई जी जे को देखें तो डी के बाद ई लिखा गया है, ई के बाद एफ को छोड़ के जी लिखा गया है और जी के बाद एच आई को छोड़ के जे लिखा गया है। यदि हम के एल एन क्यू को देखें तो के बाद एल आता है लेकिन एल के बाद एम को छोड़ के एन लिखा गया है और एन के बाद ओ पी को छोड़ के क्यू लिखा गया है। तो यदि हम समाधान देखें तो हम पहले चारों को लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो श्रृंखला है वह इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी ए जोड़ एक यानी बी, बी में फिर दो यानी डी, यानी उसके बाद दो छोड़ के यानी जो तीसरा होगा यानी ई एफ को छोड़ के जी। उसी प्रकार डी जी डी ई जी जे भी इस चीज का पालन कर रहा है। के एल एन क्यू भी वैसा ही है, किंतु यदि हम इस पैटर्न से जाएं तो एम एन पी और टी के जगह पे एस होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपका सही उत्तर जो है वह सी यानी एम एन पी टी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इन तरह के जो प्रश्न होते हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रश्न हैं, इनको हल करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है। इन्हें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय काम आता है। आप इस तरह के प्रश्न के आदि होने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क तेज होगा और आप इन तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि ओएलआई को आपका समर्थन मिलता रहेगा। धन्यवाद।